नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एन स्पोर्ट्स HD24। आज भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से धूल चटा दिया है। जी हां दोस्तों, हालांकि मैच बहुत ही मुकाबले का था, बहुत ही टक्कर का था, लेकिन आज विकेट ही कुछ ऐसा था। लखनऊ में बहुत ही खराब विकेट देखने को मिला, जो कि स्पिनर्स बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा जो है तो सहायक था, जिसमें से स्पिनरों ने कमाल कर दिया और भारत के सभी बॉलरों ने ही कमाल किया है और न्यूजीलैंड को सिर्फ 99 रन पर समेट दिया, जिसके बदौलत टीम इंडिया को बहुत ही आसानी से जीत मिल गया था। हालांकि मैच रोमांचकारी था और लास्ट ओवर तक मैच गया, लेकिन इसको पूरे प्लान के तहत खेला गया था। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या एंड टीम ने प्लान बनाया था, वो बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ और अंततः भारतीय टीम को मैच में जीत मिल गई। पाकिस्तानी ये रिएक्शन दे रहे हैं कि भारत एक शेर है और जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो 4 कदम आगे जाता है। ये रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान की मीडिया में खलबली मच गई है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि यही टीम थी जो हमें अभी 1 महीना पहले वाइट वॉश करके गई है, और पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है कि इंडिया में हार्दिक पांड्या से भी ज़्यादा खतरनाक सूर्य कुमार यादव है, जो कि किसी भी बॉल को छक्के और चौके लगाने में माहिर होते हैं। दोस्तों आप देखें, भले ये भारतीय टीम उस दिन हारी थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव उस दिन 47 रन बनाए थे, यानी कि सूर्य कुमार यादव T20 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, इसी के बदौलत टीम इंडिया जीती है। और आज भी सूर्य कुमार यादव अपने चौके के साथ टीम इंडिया को जीत दिलाया है, तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। इस मैच को जीतने के साथ इस सीरीज में बराबरी पर आ गई है टीम इंडिया और अब अंतिम मैच में मुकाबला जो है तो निर्णय होगा कि कौन इस T20 को जीत पाता है। तो दोस्तों हम बताएंगे न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच खेले गए मैच की पूरी खबर, आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बात करते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की। न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनिंग करने आए फिन एलन और कॉनवे ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए और सिर्फ 11-11 रन बनाकर आउट हो गए। चैपमान भी 14 रन बनाकर आउट हो गए। गेन फिलिप्स भी ज़्यादा नहीं चल सके। डेरिल मिचेल, एम ब्रेसविल सब केवल 2 डिजिट के 14 और 13 रन बनाकर आउट हो गए। एम ब्रेसविल भी 14 रन बनाकर हो गए। सेंटनर ने सबसे ज़्यादा 19 रन बनाए। इस प्रकार से टीम न्यूजीलैंड 99 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया। शुभमन गिल और ईशान किशन ने ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई। हालांकि इन दोनों ने स्टार्ट तो अच्छा दिया, लेकिन उसको आगे नहीं ले जा पाए। शुभमन गिल केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए, तो ईशान किशन 19 रन बनाकर रन आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी आज भी फेल हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। उनका सिलेक्शन फालतू हुआ है टीम इंडिया में, क्योंकि वो कोई भी अपना रंग छोड़कर नहीं जा पा रहे हैं। फिर आते हैं सूर्य कुमार यादव, तो हमेशा की तरह सूर्य कुमार यादव संभल कर खेले। हालांकि आज विकेट बहुत अच्छी था बॉलरों के लिए, इस वजह से सूर्य कुमार यादव कम स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, क्योंकि टीम को उनकी ज़रूरत थी, उस हिसाब से वो खेल रहे थे, पूरा प्लानिंग के तहत जो है तो खेल रहे थे। वाशिंगटन सुंदर आए, 9 बॉल में उन्होंने 10 रन बनाया, इसके बाद वो भी रन आउट हो गए। फिर हार्दिक पांड्या आते हैं जो कि कैप्टन हैं, 20 बॉल में इन्होंने भी 15 रन बनाए और सूर्य कुमार के साथ मिलकर गेम को अंत तक ले जाते हैं और लास्ट में सूर्य कुमार यादव जो है तो चौका मारकर इस मैच को जितवा देते हैं। बात करते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जेकॉब डफी जो है तो 1 ओवर करते हैं जिसमें से 8 रन देते हैं। मिचेल ब्रेसविल 4 ओवर में केवल 13 रन देते हैं, बहुत ही सदी हुई बॉलिंग 3.2 की इकोनॉमी से। मिचेल सेंटनर भी 4 ओवर में 20 रन देते हैं 5 की इकोनॉमी से। ग्लेन फिलिप्स 4 ओवर में 17 रन देते हैं 4.2 की इकोनॉमी से। इस सोढ़ी 4 ओवर में 24 रन देते हैं, 1 विकेट भी लेते हैं 6 की इकोनॉमी से। मार्क चैपमन 1 ओवर में 4 रन दिया। लॉकी फर्ग्यूसन ने भी 1 ओवर में 7 रन दिए। टिकनर 0.5 ओवर करते हैं और 7 रन लुटा देते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव चौका मारकर इस मैच को जिता देते हैं। दोस्तों ये मैच टीम इंडिया जीत गई और सीरीज में बराबरी कर लिया। हालांकि ये मैच बहुत ही रोमांचक था, जिसमें टीम इंडिया और न्यूजीलैंड में जबरदस्त फाइट देखने को मिला, लेकिन अंत में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है और सीरीज में बराबरी कर ली है। यही बात पाकिस्तान की मीडिया में जबरदस्त चल रहा है कि टीम इंडिया वाले सिर्फ जीतना चाहते हैं, एक मैच उन्होंने हार गए, लेकिन इस सीरीज को भी
टीम इंडिया जीत जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप टीम इंडिया के जीत से खुश हैं और क्या टीम इंडिया सीरीज जीत पाएगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।